subscribe my channel, like, and please click the bell icon to get notification about my videos. We will study about structure of neuron in science cosmos. Neuron structural or functional unit hoti hai nervous system ki, jaisa ki aapke skin pe mention hai, uska ek part brain. Jab hum brain ko zoom karenge to uske andar aapko network of neurons and neuroglial cells observe hoga. To sir dhyan rakhiyega, jo neurons hoti hain wo specialized cells hoti hain jinke andar capability hoti hai to carry electrical impulse ya nerve impulse. Unke beech mein aapko ek cell dikh rahi hogi jise neuroglial cells kehte hain. Ye darasal neurons ko support provide karte hain. Neuron ke teen major part hote hain, axon, सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स. तो दरअसल ध्यान रखिएगा, डेंड्राइट को एलोंगेटेड स्ट्रक्चर या ब्रांचिंग स्ट्रक्चर होती है जो सेल बॉडी से अराइज होती है. ये एडजेसेंट न्यूरॉन को अनदर न्यूरॉन से एसोसिएट करके रखती है और इसके साथ साथ ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को रिसीव करके एडजेसेंट न्यूरॉन से अनदर न्यूरॉन में ट्रांसफ़र करती है. जब हम साइटोन के अंदर जाते हैं तो साइटोन के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर आप देख सकते हैं न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑस्पिडोट लाइक स्ट्रक्चर जिसको स्पेशली यहाँ पर हाईलाइट किया गया है. ये निसल्स बॉडीज होती हैं जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं हमारे न्यूरॉन का. अब हम जब इसके साइटोप्लाज्म में जाते हैं तो आपको वहाँ पे थिन और एलोंगेटेड फाइबर्स दिख रहे होंगे. इनको हम न्यूरोफाइब्रिल्स कहते हैं जो स्पेशली जो हमारे न्यूरोन्स होते हैं उनकी शेप को मेनटेन करते हैं. अब इसके बाद साइटोन और एक्सोन के बीच में आपको एक स्पेशल नॉन माइलिनेटेड एरिया दिख रहा होगा जिसे हम एक्सोन हिलोक कहते हैं. ये डेंड्राइट और साइटोन से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को रिसीव करके एक्सोन को स्टिमुलेट करता है टू कैरी नर्व इम्पल्स टू द नर्व एंडिंग या एक्सोन टर्मिनल. तो ध्यान रखिएगा, इस पर ग्रीन या येलो इस कलर की आपको कवरिंग दिख रही होगी जिसे हम माइलिनेटेड सीथ कहते हैं और जो स्पेशल स्वान सेल से सिंथेसाइज होते हैं. इसका जो इंटरप्रेट एरिया उसे हम नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं. आप देख सकते हैं कि जो टर्मिनल बटन्स या सिनेप्टिक नोब्स है वो डेंड्राइट से एसोसिएट हैं. एक्सोन ब्रांच जो हैं वो कुछ एक्सोन ब्रांच इतनी एलोंगेटेड हैं कि वो साइटोन से एसोसिएट हैं. उनके बीच में जो आपको कैविटी दिख रही है स्पेशली उसे हम सिनेप्स कहते हैं. तो इस तरीके से एडजेसेंट न्यूरॉन से अनदर न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रांसफ़र होते हैं. उसमें जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो है साइटोन एंड एक्सोन. स्पेशल थैंक्स टू डिज़ाइन मेट. लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो.